हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। नाउ डे वन शुरू करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस होते क्या हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस वो होते हैं जहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होता है। ये ध्यान रखिए, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में कुछ रिएक्शंस पढ़े होंगे, एडिशन डिस्प्लेसमेंट। हर रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। लाइक अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करें तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 निकलता है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि वहां पे रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन फिर हम डिफाइन कैसे करेंगे कि क्या है रिडॉक्स रिएक्शन? तो पहला काम हम करते हैं क्लासिकल व्यू, मतलब जो शुरू में समझा जाता था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोला जाता था ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोला जाता था रिडॉक्स, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये था, इसके हिसाब से अगर हम ये लें, मैग्नीशियम है, इसमें O2 लग गया तो MgO बन गया, तो मैग्नीशियम यहां पे ऑक्सीडाइज हो गया और ऑक्सीजन यहां पे रिड्यूस हो गया। फिर हाइड्रोजन के टर्म्स में भी बोला जाता था कि अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो रिडक्शन हो जाएगा, तो यहां पे ये रिडक्शन रिएक्शन हो गया। तो क्लासिकल व्यू वाज बहुत सिंपल था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन बोलते हैं। लेकिन अब चलिए हम कुछ रिएक्शन देखते हैं। मैग्नीशियम को फ्लोरीड से किया, MgF2 मिला। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें? ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, तो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है? लेकिन ये देखा गया कि ये रिडॉक्स भी हो रहा है। मैग्नीशियम क्लोरीन MgCl2, मैग्नीशियम सल्फर MgS। तो ये जितने भी रिएक्शन है रिडॉक्स तो हो रहा है, लेकिन हम इनको अपनी पुरानी डेफिनेशन से क्लासिफाई नहीं कर पा रहे। तो क्या किया गया कि मॉडर्न डेफिनेशन बनाई गई इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन्स तो सब जगह होते हैं और उनका ट्रांसफर हर जगह बॉन्डिंग में होता है। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बहुत सिंपल तरीका है एसिड बेस प्रॉपर्टी बताने में भी, कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। तो ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन को डिफाइन किया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनफैक्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में मैंने इसको और आगे ले गया था, अगर आपको याद हो तो, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये हरदम एनोड पे होता है। यहां पे अभी हम एनोड कैथोड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हरदम एनोड पे होता है। और फिर इसका उल्टा कर दें, एनोड का कैथोड हो गया, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन हो गया, लॉस का गेन हो गया। तो कैथोड में हरदम रिडक्शन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, अब ये रिएक्शन हम लेते हैं वही जो हमने पहले लिया था, Na+Cl गिविंग NaCl। अब ट्रेडिशनल से इसमें ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है तो हम बता ही नहीं पा रहे थे, लेकिन अगर हम इसको अब डिटेल में देखें, सोडियम ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, Na+ बना, क्लोरीन ने दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो ये Cl- बन गया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ये रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ये रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ये रिडक्शन। तो हम क्या देखते हैं कि अब अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में करेंगे तो हम सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अच्छे से डिफाइन करते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो अब इसको दूसरा तरीका भी देखने का, हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख सकते हैं। तो अगर हमारा ये बॉन्ड है A to B, इसको हम हेट्रोलिटिकली ब्रेक करें तो A के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, B के ऊपर माइनस चार्ज, ये प्लस और माइनस जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। ये इसलिए कर रहे हैं कि जैसे लास्ट टाइम हमने दिया था, हर जगह पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूं कि अगर KMnO4 MnO2 में बन रहा है,
तो ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कई बार नहीं क्लियर होता है। तो हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हो रहा है तो फिर ये रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का जो करेक्ट तरीका है वो मैं आपको समझा रहा हूं कि ए टू बी है, इसको हेट्रोलिटिकली ब्रेक कर दें। तो ए के ऊपर प्लस वन चार्ज आ जाएगा, बी पे माइनस वन। तो ए का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन माना जाएगा और बी का माइनस वन। लेकिन अगर हम लोग इसको होमोलिटिकली ब्रेक करें बीच से, तो दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। इसको बोला जाता है फॉर्मल चार्ज। इसके भी कुछ यूजेस हैं, कभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये मीथेन है, मीथेन में C2H बॉन्ड है, C ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम बॉन्ड सब ऐसे ब्रेक कर देंगे, तो 4H प्लस C4 माइनस। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस फोर हो गया, हाइड्रोजन का प्लस वन हो गया। C2H2 लें तो यहां पे तो हेट्रोलिटिक ब्रेक होगा, यहां पे हेट्रोलिटिक ब्रेक होगा। लेकिन ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें दोनों की इलेक्ट्रोनिटी सेम है, तो यहां हेट्रोलिटिक नहीं, यहां होमोलिटिक ब्रेक होगा। तो जब इसको होमोलिटिक ब्रेक करेंगे तो देखेंगे एच पे प्लस वन आया है और कार्बन पे माइनस वन आया है, तो इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन माइनस वन हो गया। इसी तरह से अगर CO2 को ले लें, अब यहां पे उल्टा हो गया, O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां ब्रेक करेगा, तो O के ऊपर माइनस टू चार्ज आ जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, और C के ऊपर प्लस फोर आ जाएगा। तो देखेंगे अगर हम, तो C माइनस फोर से लेके प्लस फोर तक कहीं भी ऑक्सीडेशन नंबर उसका हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने का ये भी अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, तो कुछ रूल्स बना दिए गए। रूल नंबर वन, फ्री और एलिमेंट्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम का हरदम जीरो होता है, किसी भी एलोट्रॉपिक फॉर्म में। रूल नंबर टू, आयंस जिसमें केवल एक ही एटम होता है, ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर है, चार्ज ऑफ द आयन। मतलब अगर Na प्लस वन है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन हो जाएगा, F माइनस वन है तो ये माइनस वन हो जाएगा। रूल नंबर थ्री, अब मॉलिक्यूल्स के लिए आ जाएं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू जीरो। मतलब जितने भी एटम हैं, अगर ये CO2 है हमारा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर X, इसका ऑक्सीडेशन नंबर y, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर पॉलीएटॉमिक आयन है तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। मतलब हमारे पास अगर कार्बोनेट आयन है तो जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू। अब आप सोच रहे होंगे इसको हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब इसके बाद हम इंडिविजुअल एटम्स को अटैक करेंगे और उनका निकालेंगे। एक बार हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन आ गया। नाउ इसमें दो अननोन है, इक्वेशन एक है। आप लोगों ने क्लास 8th 9th में मैथ्स तो पढ़ी होगी कि दो अननोन के लिए दो इक्वेशन चाहिए होते हैं। यहां पर हमारे पास एक ही इक्वेशन है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, एक नंबर को कुछ अज्यूम कर लेंगे जो उनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है और दूसरे को निकाल लेंगे। सपोज O का हमको मालूम है माइनस टू, तो यहां माइनस टू लगा देंगे तो X की वैल्यू प्लस फोर आ जाएगी। अगर यहां पे हो O का हमको मालूम है माइनस टू, तो लगा देंगे यहां पे भी X की वैल्यू प्लस फोर आ जाएगी। तो इस तरह से अगर हमको कुछ वैल्यूज मालूम है तो उनको हम यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। अब उनके अजम्पशन में पहला, एल्कली मेटल्स ग्रुप वन का हरदम ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होगा विदाउट एनी डाउट। एल्कली मेटल्स, अर्थ मेटल्स ग्रुप टू ए, इनका ऑक्सीडेशन नंबर हरदम प्लस टू होता है। हाइड्रोजन का
इन जनरल प्लस वन होता है, लेकिन जब मेटल हाइड्राइड्स बनती हैं, जब हमने मेटल हाइड्राइड सब किया हुआ है हाइड्रोजन चैप्टर में, तो वहां पे माइनस वन हो जाएगा। अब ऑक्सीजन आ जाते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में माइनस टू होता है, लेकिन जब पेरोक्साइड बॉन्ड बनता है, पेरोक्साइड इज ओ टू ओ बॉन्ड, तब ये माइनस वन दोनों का हो जाता है। सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं, ओ टू माइनस वन, इसमें उसका माइनस हाफ होता है। और इसके सिवा दो हैं, ओ एफ टू, अब फ्लोरीन क्योंकि ज्यादा निगेटिव है उसका हरदम माइनस होगा, तो ऑक्सीजन प्लस टू हो जाएगा, और ओ टू एफ टू में ऑक्सीजन का प्लस वन हो जाएगा। तो ये थोड़े से आपको इफ्स एंड बट्स याद रखने पड़ेंगे। अब आ गया हैलोजेंस, फ्लोरीन का हरदम माइनस वन रहेगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इवन यहां पे जब फ्लोरीन का हमने माइनस वन रखा तब ऑक्सीजन का प्लस टू निकला। उसके सिवा अदर हैलोजेंस जनरली माइनस वन, अदरवाइज अगर वो डायरेक्टली बॉन्डेड है एटम्स विच आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू देमसेल्फ, मतलब अगर आईसीएल ले लें, ठीक है, अब दोनों का तो माइनस वन हो नहीं सकता क्योंकि टोटल चार्ज जीरो है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किया सीएल, तो सीएल माइनस वन हो गया और आई प्लस वन हो गया। तो अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो रहा हो और एक से ज्यादा सेट निकल रहे हैं इस तरह से, तो रूल थंब रूल बहुत सिंपल है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको माइनस दे दीजिए। मतलब सपोज आई का हम माइनस वन ले लेते हैं तो सीएल का प्लस वन निकल आता, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सीएल, तो ये सही हो गया, ये गलत हो गया। अब एक कुछ क्वेश्चंस करते हैं, हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, इसमें इनका हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो पेन और पेपर लीजिए और निकालना शुरू कर दीजिए। लेट्स सी, ये हमारे कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम ये लेंगे O का माइनस टू रख देंगे तो Fe का प्लस टू हो जाएगा, O का माइनस टू रख देंगे Mn प्लस टू हो जाएगा, O का माइनस टू रख देंगे Mn प्लस फोर हो जाएगा, O का माइनस टू रख देंगे Cu प्लस टू हो जाएगा, CuI में I का माइनस वन Cu का प्लस वन, Fe2O3 में इसका माइनस टू तो ये प्लस थ्री, Ti2O में अगर ये माइनस टू है तो ये प्लस वन हो जाएगा। यहां पे क्या करेंगे, HAUCl में H का प्लस वन प्लस X प्लस माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो X कितना हो गया प्लस थ्री। तो जो अभी हमने आंसर निकाला था उसको हम दोबारा आपके लिए बताते हैं, AU माइनस प्लस थ्री, Ti वन, Fe का प्लस टू, Fe2O3 में प्लस थ्री, कॉपर आयोडाइड में कॉपर का प्लस वन प्लस टू प्लस टू प्लस फोर, क्लियर। तो ये तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का।